नमस्कार दोस्तों, तो पोको की तरफ से एक और नया फोन ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है इंडिया पे, जिसका लॉन्च डेट मालूम चल चुका है। जैसे कि इस पोस्टर पे देख सकते हैं, फोन का नाम है पोको C51, जो कि इस महीने 7 तारीख को लॉन्च होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो C51 नाम का जो फोन लॉन्च होने वाला है, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा और जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो क्या प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर उससे बेटर कोई दूसरा अवेलेबल है। इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात का बार आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये जो पोको C51 पीछे से दिखने में एग्जैक्टली ऐसा है। टोटल दो कलर पे आपको मिलेगा, ब्लैक और ब्लू। फोन का थिकनेस है 9.1 मिलीमीटर और वेट है 192 ग्राम। और ऑब्वियसली इसके पीछे आपको मिलेगा ग्लॉसी टाइप का प्लास्टिक बैक कवर। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.52 इंच HD प्लस 60 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 400 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और ये चीज ध्यान में रखना कि इसके डिस्प्ले का जो नॉच वो आपको मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच। तो इसका मतलब प्राइस पॉइंट की हिसाब से इसका जो डिस्प्ले वो एवरेज क्वालिटी का होगा। प्रोसेसर की अगर बात करें, इसमें आपको मिलेगा हीलियो G36 प्रोसेसर, जो कि एक बिल्कुल नया प्रोसेसर है। और जैसे कि इसका नाम है, क्योंकि हीलियो G36 इसका नाम है, तो इसीलिए इसका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली हीलियो G35 और हीलियो G37 के बीच का है। तो मतलब इसका जो परफॉर्मेंस एग्जैक्टली हीलियो G37 के जैसा ही है। कैमरे में आपको मिलेगा 8 और एक AI सेंसर रियर साइड में, फ्रंट में होगा 5 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये जो फोन आपको बस एक वेरिएंट भी मिलेगा, जो कि 4GB रैम 64GB मेमोरी, इसके साथ 3GB तक का वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिलेगा। रैम का क्वालिटी LPDDR4X, मेमोरी पे आपको मिलेगा eMMC 5.1 और उसके साथ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट, इसका मतलब 2+1 कार्ड स्लॉट आपको मिलेगा। बैटरी में होगा 5000mAh बैटरी, 10W का चार्जर और कनेक्टिविटी है माइक्रो USB पोर्ट। तो अगर हम इसके बाकी फीचर की बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा एंड्रॉइड 13 का गो एडिशन, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 जैक, और स्पीकर के मामले में आपको इसे मिलेगा सिंगल स्पीकर। तो जो सबसे मेन चीज, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला, तो देखिए ये जो फोन इंडिया पे आएगा 7,500 से लेके एग्जैक्टली 8,000 के अंदर, और लॉन्च डेट वो तो आपको ऑलरेडी मालूम चल चुका है। तो अभी हर वीडियो का जैसे इधर से देखेंगे कि क्या है जो पोको C51 वही 8,000 के आसपास का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर इससे बेटर कोई ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखिए, अगर हम अभी करेंटली फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे देखेंगे तो तीन ऐसा स्मार्टफोन है जो कि 8,000 के आसपास सबसे बेस्ट है। नंबर 1 टेक्नो स्पार्क 9, जिसका अभी करेंटली प्राइस है एग्जैक्टली 8,000 रुपए। अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं, सभी के सभी स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली पोको के जैसा ही है। एक मामले में टेक्नो है बेटर, जो कि बेटर क्वालिटी कैमरा, तब पोको C51 से बेटर है टेक्नो स्पार्क 9। चलिए टेक्नो में छोड़ देता हूँ, 8,000 पे आपको मिल जाएगा मोटरोला G13, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर हम उसके साथ कंपेयर करते सेम प्राइस पॉइंट में, मोटरोला आपको बेटर क्वालिटी का कैमरा और बेटर क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस आपको देगा, और बाकी सभी स्पेसिफिकेशन पोको के जैसा ही। तो मतलब ये वाला फोन भी पोको C51 से बेटर है। और जो तीसरा, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑलराउंड फोन है, उसका नाम है टेक्नो स्पार्क 80, जो कि अमेज़न पे करेंटली प्राइस है 8,200 पे। अगर हम उसके साथ कंपेयर करते, उस फोन में आपको मिलेगा फुल HD प्लस डिस्प्ले और भी बेटर क्वालिटी का प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जो कि पोको पे तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो मतलब देखिए, वीडियो का मैं चीज करना चाहूंगा, जिन लोगों को MIUI ब्रांड की तरफ से आने वाला, मतलब फैमिलियर यूजर इंटरफेस वाला कोई नया फोन लेना है, तो उन लोगों के लिए पोको C51 सही चॉइस है। लेकिन अगर आप सोच रहे कि सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाले फोन लेंगे, तो प्रोबेबली इस प्राइस पॉइंट में दो फोन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जिसका प्राइस अभी करने लिए 8,200 रुपए, उसका नाम है टेक्नो स्पार्क 80 और टेक्नो स्पार्क 8 प्रो, दोनों ही अमेज़न पे अवेलेबल है। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बता रहे कि पोको का ये जो पोको C51 जो लॉन्च होने वाला है, तो क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई फोन आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कम से कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।